हेलो, मैं योगेश द्विवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी पर एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके टॉपिक की अगली कड़ी लेके। पढ़ाई हो रही है और साथ में ध्यान भी रखना है अपना। देखें, कल हम जिस निष्कर्ष तक पहुँचे थे उसमें शेषफल प्रमेय की द्विपद प्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को अपन लगा लिए। जैसे मान लो लिख दे 26 की पावर 105 को 27 से भाग कर तो शेषफल क्या, तो आपको पता है कि कल क्या पढ़ा था मैंने, क्या ऊपर वाली संख्या को हम a प्लस एक्स की पावर n के रूप में तोड़ सकते हैं और उसमें भाग किस में दे देंगे, a से, है ना, याद है ना। तो इसको 27 माइनस 1 की पावर 105 बटे 27, इसका हल क्या बचता है आपका, x टू दी पावर n अपॉन a टू दी पावर। हल बचने से मतलब है जो कल की क्लास को देख के आया होगा उसे पता होगा कि शेष फल के लिए हमें इस लास्ट टर्म्स पर डिपेंड होना पड़ता है, तो यहाँ भी हो जाएंगे मैं लास्ट टर्म पर डिपेंड। एक सवाल में इसलिए बता रहा हूँ कि फिर से थोड़ा सा आपको याद आ जाए, एक दिन भर हो गया है ना। तो ये तो कट जाता, ये बचेगा माइनस एक की पावर 105 बटे 27। अब माइनस एक की पावर 5, एक की पावर कुछ भी लगाओ एक ही आना। माइनस एक की पावर 5 का मतलब माइनस एक, 27 से भाग करोगे तो रिमाइंडर ही माइनस एक, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा माइनस एक, तो माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, तो क्या करेंगे अपन, 27 से एक घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 26। ये बातें हमने कर ली थी। अब इसी को हम श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि अगर कभी कुछ ऐसा आपके सामने आ जाए कैसा देखें। एक 8 की पावर 10 को 11 से भाग दें तो रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर होगा। अब अगर कभी आपको ऐसा लगे कि नीचे की संख्या क्या है, नीचे की जो संख्या है वो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, और ऊपर जो नंबर लिखा है संख्या पर उससे एक कम घात लगी, घात मतलब पावर, ठीक है, संख्या पर उससे एक कम पावर लगी हुई है तो हमेशा रिमाइंडर यानी शेष फल एक प्राप्त। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह गए हैं अपने यूलर्स, ठीक है। अगर किसी संख्या में, उनकी हम स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, अगर कोई नंबर है उसको किसी प्राइम नंबर पी से डिवाइड किया जाए और जबकि नंबर की पावर लगी हो पी माइनस वन, तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा बना, ऐसा वो कह गए। तो जब हमारे पास ये सिचुएशन आएगी तो हम इस थ्योरम का बेनिफिट उठाएंगे। तो अगर देखा कि 8 पे किससे भाग किया जा रहा है, एक प्राइम नंबर 11 से, और उस पर प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या से जस्ट एक कम पावर लगी हुई है, तो
उसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, एक आएगा, ये वो प्रूफ कर गया। ठीक है, अब होता क्या है, कई बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किसी विशेष संकाय के स्टूडेंट को फायदा उठा रहे, जैसे साइंस, अच्छी साइंस आ गई तो जिसने साइंस ग्रुप से पढ़ाई की थी उसको दो चार नंबर प्लस होने का फ़ायदा मिल जाएगा, जो मैथ के दो तीन क्वेश्चन अलग से डिपेंडेड आ गए और उन्होंने कभी ना कहीं पढ़ाई की होगी, उन्होंने कहा हाँ यार ऐसा सुना था, ऐसा होता है, क्योंकि पूरा काम याददाश्त का है, जो आप पढ़ते हो सब पढ़ते हैं लेकिन पेपर एग्जाम हॉल तक ले जा कौन पाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना है कि अगर वो जो कंडीशन आई थी कल वाली वो आए तो कैसे सॉल्व करना है, और ये कंडीशन आए तो कैसे सॉल्व करना है। अभी बने के एग्जाम्पल लिया, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या है कंडीशन, मिटा देता हूँ, नोट कर लेना इसको। अभी आपको पता है जैसे कि फंसे हुए हैं सब, तो क्वालिटी के साथ अभी दिक्कत लैब में चलेंगे, खूब अच्छे से देखेंगे। जैसे एक और लिख दें, हम कोई नंबर ले लें 15, उस पर डिवाइड करें 17 से, अपवाद लगी है 16 का रिमाइंडर होगा। अब जैसे ही आपको ये लगा मिला कि नीचे कोई प्राइम नंबर, ऊपर कोई भी नंबर लिखा हो, उसकी पावर उससे एक कम हो, किसकी याद आ जाएगी, आपको याद आ जाएगी, अरे यू थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने पर ही मिस्टेक हो जाती है। ये जो थ्योरम थी वो यूलर ना होके फर्मेट की, फर्मेट थ्योरम यूलर की है। यहाँ पर जब, यहाँ पर हाँ, जब यहाँ पर प्राइम की जगह पर कोई कंपोजिट नंबर भाज संख्या आ जाए, तो मैं स्टेटमेंट को फिर से बोल देता हूँ कि क्या था स्टेटमेंट। कई बार पढ़ाते पढ़ाते बोलना कुछ चाहते हो, बोल कुछ चाहता है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखेंगे कि n की पावर p माइनस 1 अपॉन p हो, जहाँ p क्या होगी, एक अभाज्य संख्या, तब इस कंडीशन रिमाइंडर कितना होता है 1। ये किसने कहा, क्या करना, कॉम्पिटिशन ये महत्व नहीं रखता, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं तो ये महत्व रखता है, इसको कैसे सॉल्व करना। ठीक है, तो ये फर्मेट ने कहा, सॉरी मैं यूलर बोल गया, फर्मेट ने कहा, ठीक है ना, हाँ कह दो कुछ पता दो, कौन है पता नहीं, सॉरी। तो क्या करना है अपन को, फिर से देखा फॉर्मेट क्या है, कि नीचे कोई प्राइम नंबर है, ऊपर पावर वाली संख्या है, लेकिन घात ऐसी लगी हुई है कि प्राइम नंबर से जस्ट एक कम, तो हमें किसकी याद आ गई, इस फॉर्मेट की याद आ गई, और ये फॉर्मेट किसके नाम से जाना जाता है, फॉर्मेट फर्मेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ आप कह दोगे सर बचेगा कितना, रिमाइंडर ए नाम सा, इतना सा काम आपको याद रख, समझ में आया। अब कुछ कह रहे होंगे सर यहाँ घात ऐसी, एक कम ना हो तो क्या करें, मतलब बिगाड़ने वाला काम करोगे, ठीक है चलो। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा था मैंने, 8 की पावर 10 को 11 से भाग, यहाँ 10 की जगह मान लो 12 आ गया, ठीक है, अब सही है, इच्छा पूरी हो गई, ऐसा गंदा गंदा कर दिया, अब सही लग रहा है, हाँ। अब आपने कहा सर प्राइम नंबर तो है और हम इसको a प्लस n से लगा सकते हैं क्या, ऐसा नहीं कि आप उसको नहीं लगा सकते, कई वाले सवाल इस लॉजिक से सही हो जाएंगे, कई वाले सवाल उस लॉजिक से सही हो जाएंगे, कुछ में दोनों लॉजिक नहीं लगेंगे, तो कौन किस लॉजिक पे डिपेंड होता है उस पर ध्यान देना। तो आपने देखा कि हाँ सर प्राइम नंबर तो है लेकिन
फर्मेट हम तब यूज कर सकते हैं जब यहाँ पर पावर होती 8 की पावर 10 होती, पी माइनस एक। तो हमने कहा लिख लो ऐसे 8 की पावर 2 और 8 की पावर 10 भागे 11, लिख लें हाँ या नहीं बोल रहा है, लिख लें ऐसा 12 पावर को। अब फर्स्ट वीडियो रिमाइंडर थ्योरम का कि मल्टीप्लाई में क्या करते, तो यहां तो यही बन गया कि अगर n पर पावर लगी हो p माइनस 1, यहाँ p होती है अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से भाग दिया, रिमाइंडर कितना बचता है एक, तो यहाँ तो रिमाइंडर कितना बचना है एक बचना है। और यहाँ क्या होगा, यहाँ नहीं पता क्या होगा, यहाँ पर लिख दिया 64 और यहाँ बचना है एक बटे 11, तो 11 का भाग सीधे 64 पर लगा दे रहे पर, तो 11 का भाग जैसे 64 में लगाएंगे तो या तो माइनस 2 लिख लो, याद है ना माइनस 2 क्यों, रिमाइंडर दो प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो देखते हुए आप यहाँ आओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन डायरेक्ट कोई वीडियो देखोगे तो शायद परेशानी हो सकती है, या बेस क्लियर हो आपको पता हो। आपको याद रखना है कि अगर आप पढ़े भी होगे तो भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको कुछ ना कुछ आपके लेवल को बढ़ाएंगी, तो प्लीज़ क्रम से पढ़ें, नोट्स बनाते चलें, ठीक है ना। तो देखें माइनस दो आ गया आपका, तो मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा माइनस दो, आप कहोगे रिमाइंडर सर माइनस दो कैसे आएगा, तो 11 में माइनस दो को जोड़ दोगे कितना बचेगा 9, 2 11, तो इसका रिमाइंडर टोटल कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, समझ पाए। एक और सवाल लगा आपको फिर समझ में आएगा, देखें एक क्वेश्चन और, 11/70 की पावर 16, तो क्या आप रिमाइंडर बता सकते हैं, आपने कहा हाँ बता सकते हैं, कितना आ जाएगा रिमाइंडर, आप कह दोगे एक कैसे किसी अभाज्य संख्या हो नीचे उस पर उसका भाग किसी संख्या में किया जा रहा हो और पावर अभाज्य संख्या से एक कम हो तो डायरेक्ट उसका रिमाइंडर कितना होता है एक, ये किसने बताया, फर्मेट ने बताया। अब यही क्वेश्चन हम थोड़ा सा बढ़ा दें कि 11/17 यहाँ पावर लगी थी 16^32, अब तो कहोगे सर अब भी कर लेंगे 11^16 × 11^16/17, ये वाला भी फॉर्मेट, ये वाला ही फॉर्मेट, यहाँ रिमाइंडर एक, यहाँ रिमाइंडर एक, टोटल रिमाइंडर 1/17 यानी एक आ जाएगा आंसर, ऐसा आ गया 11/17 की पावर 34, 34 कर लो। अब आपने कहा इसको लिख लेंगे, नीचे वाला संख्या है 11^1 × 11^16 × 11^16/17, तब यहाँ से फर्मेट यानी एक और एक बचा 11, एक गुणा में है सबका गुणा हो जाता है जो रिमाइंडर होते हैं, एक गुणे ग्यारह, तो 11/17 यानी रिमाइंडर कितना बचे 11। उसी एग्जाम्पल को बड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ जिससे आप थोड़ा सा ज़्यादा समझ पाएँ कि अगर पद बहुत बड़ा है तो आप उसको तोड़ लें कि हम उसको इस फॉर्मेट में बदल लें, क्योंकि यही हमारी सहायता करेगा, या तो हम द्विपद प्रमेय लगाने में सक्षम हों, द्विपद प्रमेय में अगर ऊपर का मान बड़ा होता है नीचे के मान से तो वो हम तोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम होते हैं ऊपर का मान तो छोटा है और पावर ऐसी आ रही है कि जो सॉल्व करने पर ही मिलेगी, तब इनका हम उपयोग कर लेते हैं। एक और देखो, जैसे
यहाँ देखिएगा, यहाँ देख गया, इन एग्जाम्पल को लिखा रहे, मैं देखूँ ना देखूँ, ये देखो जैसे ही लिखा होता 11 की पावर एक सौ साठ बटे 17 में रिमाइंडर हो, तो आप कहोगे अब क्या करते हैं, 11 की पावर 16 इंटू 11 की पावर 16 इंटू 11 की पावर 16 कितनी बार लिखते, 10 बार, तभी जाके 16 धाम 160 होते ना, 10 टाइम लिखना पड़ता, जैसे दो बार था 16 32 दो बार लिखा था, तो फिर 17 से भाग करते, हर जगह एक एक बस्ता गुणा हो जाता, बोले 1/17 यानी रिमाइंडर कितना बनेगा, 1 बनेगा कि नहीं, बस में यानी बिल्कुल आराम से इस वीडियो को कम से कम दो बार देखना है, तब जाके आपको एक एक बात क्लियर होगी और एक एक बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि पढ़ाएंगे तो सब अभी, क्योंकि जब से नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है अपना नहीं सबका स्टार्ट हो गया है ना, पता है ना आपको, ये बच्चे का कॉल भी आया था, बोले सर बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, तो बस सर क्लास में जो हंसी मजाक चुटकुले जो बातें होती थी वो भर नहीं हो पा रही, तो हमने कहा हम लोगों ने कैमरा फर्स्ट बार सामने आए हैं तो झिझक होती क्या बोल रहे हैं कितना बोल रहे हैं, और मेन फोकस होता है पढ़ाने, क्लास में तो आपका चेहरा दिखता है उदास हो कुछ हो तो वो आपको खुश करने के लिए हो जाता है, ठीक है, अब वो धीरे धीरे बन जाएगी, क्योंकि पढ़ाएंगे सब वो सब नंबर सिस्टम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो अब अगर कभी हमारी रेंज इतनी लंबी हो जाए कि जिसको हम पकड़ ही ना पाए, जैसे मिटाता हूँ मैंने, उसके पहले इसका 20 बना लो फिर मिटाता हूँ फिर वो समझ में आएगा आप, देखें जैसे क्वेश्चन उसी को उठा लेते हैं कि 11 में 17 से भाग गया तो पावर लगी है मान लो 3200। अब उसने कहा इसका रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर क्या, अब हमें तो नीचे अभाज्य संख्या देखी और ऊपर कोई संख्या ऐसे से पावर लगी हो तो हमें फर्मेट याद आ जाए, तो फर्मेट जी का उपयोग कैसे कर पाते हैं, हमें पता है कि अगर कभी किसी अभाज्य संख्या से भाग किया जा रहा है और ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर उस अभाज्य संख्या से एक कम पावर लगी हो तो रिमाइंडर हर कंडीशन में 1 बचता है, तो अब हम क्या करते हैं, जब लंबी घात होती है उसको ऐसे तोड़ कर लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि कितने तक लिखना है, 10 पद हों 5 पद हों 3 पद हों तो लिख लेंगे अपन, तब क्या करते हैं कि हम फर्मेट नंबर को खोजते हैं, कि फर्मेट जी ने क्या कहा है कि इसकी पावर जब जब 17 अगर है तो 17 से एक कम 16 होगी, तब तब रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो हम क्या करेंगे, हम खोजेंगे इसका फर्मेट, और फर्मेट किससे मिलेगा, अगर 17 लिखा है तो पावर कितनी बनेगी, 16, 17 लिखा है पावर कितनी बनी है, 16, 7 लिखा हो तो पावर कितनी बनती, 6, आपका 5 लिखा हो तो पावर कितनी बनती, 4, अगर आपका 11 लिखा हो तो पावर कितनी बनती, 10, उससे 1 कम, तो हम देखेंगे 16 के कितने इसमें मैं पावर इंक्लूड कर सकते यानी बन सकती, तो हमने कह दिया अरे कितनी बन सकती है, तो 16 का भाग लगा दिया, तो 32, 16 एक संख्या ही ली हमने, 16 से कटती है तो देखा 16 दूनी 32, 1 आ गया, फिर 0, 6 आ गया, 16 दूनी 16 1 16, पूरी कट जाती है 201 बार, मतलब पूरी कट जाती है, इसका मतलब जितनी बार भी कट जाती है वो सब एक एक रिमाइंडर देंगे, यानी ये 16 से पूरा कटता है इसलिए इसका रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अगर 16 से नहीं कट रहा होता ये लिखा होता, देखें
ये लिखा होता 11 की पावर 3217 में 17 से भाग, तो रिमाइंडर कितना होगा? ऐसा लिखा होता तो कुछ नहीं, तो हम फिर भी कहते कि यार नीचे क्या है, अभाज्य संख्या है, नीचे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर हो और ऊपर उससे एक कम घात लगी हो, ऐसी कंडीशन में हमेशा 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 रिमाइंडर कितना बचता है? एक, है ना? बिल्कुल, जितनी मैं दोहराता हूँ ना इतनी वह बोल लोगे तो याद हो जाएगा। हमें इतना पढ़ना है कि हम अपने साथ पढ़ी हुई चीज़ पेपर हॉल तक ले जा सकें। लोग पढ़ते हैं लेकिन समेट नहीं पाते। ओ नंबर सिस्टम सन तो एक महीने पढ़ाया नंबर सिस्टम, लेकिन वो एक महीने नहीं, आप अगर उसको पढ़ने बैठोगे तो दो दिन में पूरा पढ़ मारोगे और रिवीजन करने बैठोगे तो दो घंटे में कर लोगे। पढ़ने में टाइम लगता है लेकिन जब पढ़ते बनने लगता है तो ये सेकंडों में होने लगता है। इतनी सी बात बताना, उसकी का यूज कर रहे हैं वो बात आपको याद करा रहे हैं। तो अब अगर हम यहाँ भाग करते तो इससे ये एक ज़्यादा है, तो यहाँ रिमाइंडर बचता एक, तो आप कह सकते थे कि 201 बार जो पद आएगा उसका रिमाइंडर होगा एक, लेकिन जो एक्स्ट्रा बचा होगा तो 201 बार जो पद आएगा उसका रिमाइंडर होगा एक, एक 11 एक्स्ट्रा बचा है तो 11/17 डिसाइड करेगा रिमाइंडर कितना आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 11 तो कटता नहीं 17 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 11 ही आंसर। और छोटा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो कि 7/11 और 7 की पावर लगी है 101। मैं पूछता है वो आपसे कि इसका रिमाइंडर क्या हो, ठीक है? अब आपको थोड़ा रुकना है, सोचना है, आंसर देना है और फिर मेरा लगा हुआ देखना है, ठीक है? तो क्या करोगे आप, क्या करोगे? देखो आप कहोगे कौन सी पोजीशन है, नीचे अभाज्य संख्या है, नीचे अगर अभाज्य संख्या है तो हम पावर को कम करेंगे और पावर को कम करने के लिए इसका फॉर्मेट चाहिए, और किस फॉर्मेट पर? ये एक देगा शेषफल जब जब नीचे से एक पावर कम आएगी, तो एक पावर यानी फॉर्मेट इसका कितना बन जाएगा, 10। तो 101 में 10 का भाग करेंगे तो 100 और एक कहलाएगा, तो एक बार बचेगा आपका, 100 में चला जाएगा पूरा पूरा। यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ, 10 × 10 100 शेषफल, यानी 10 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी 10 बार शेषफल कितना बचेगा, एक। लेकिन पावर में पावर इंटू होता ना, इंटू में बचेगा आपका, तो आप कहोगे उसका बचेगा एक और एक साथ एक्स्ट्रा बचा रहेगा, जैसे 10 से भाग होगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7, सॉरी 11 से भाग तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7। ये कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सा अभ्यास करने से बनने लगेंगी, अच्छी हो जाएंगी। इतने एग्जाम्पल जब आप लगाते हो, समझते हो, चीज़ें अच्छी होती, ठीक है? मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप SSC के मेंस तक कोई प्रॉब्लम ना जाए, नहीं तो इसके पहले तक स्टॉप हो गया था, ठीक है ना? अब मुझे बता जाना है कि जहाँ जहाँ तक आता है, और देखना है एक आध दो रूल छोड़ देना है, फिर देखना है कि कितने रूल बताए। मैं जितना बताता हूँ उतना ही बताए जाते हैं कि उससे और आगे भी बताया जाता है, करने वाला हूँ, फिर मैं एक और वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है? क्योंकि एग्जाम का एनालिसिस करते करते कई बार ऐसा नहीं हो, नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया कह दिया, लेकिन कुछ और चीज़ जुड़ गई, कुछ और चीज़ जुड़ गई, तो फिर वो उसमें और इंक्लूड कर देंगे। अपन चलते हैं आगे, अगला टॉपिक देखें। अभी तक ये प्रॉब्लम थी कि नीचे अगर प्राइम नंबर आया तब हम क्या डिसीजन लेंगे, लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि प्राइम नंबर नहीं आया,
ऐसे क्वेश्चन उठते हैं। जब आप एक दो एग्जाम दे लोगे, सिस्टमेटिक एक बार पूरा पढ़ लोगे, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने की एक लिमिट बन जाएगी, यानी ये ऐसे पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है, ये ऐसा पूछा जाता है, एक हद, ठीक है ना। जब तक कोई एग्ज़ाम नहीं देते या हम कोई कोर्स पूरा पढ़ नहीं लेते, तब तक हमें लिमिट नहीं पता रहता। भाई जी, बचपन में पढ़ते थे, गिनती कितनी आती, 100 तक, सीना फुलाते थे, 100 तक गिनती आती। अब कोई पूछे गिनती कितनी आती, 100 पड़ जाती, क्यों लिखते नहीं है, 100 तक आती है कि नहीं। तो जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि 8 की पावर, मान लो कुछ भी, 105, मैं 15 से भाग दें तो रिमाइंडर होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम हो गई कि हमारे पास 2 उपाय थे, तो और भी हैं। तो जब हमारे पास उपाय हो तो नीचे ऐसा नंबर आ जाए जो प्राइम ना होता, हमें करना क्या होता है कि फिर हम या तो चाइना मैन, यानी जैसे LCMSM मेथड ही बोलते हैं, या यूलर थ्योरम पे जाते हैं। यूलर थ्योरम थोड़ा सा टफ है, उसको समझना, उसके लिए आपको वीडियो में बिल्कुल एक एक शब्दों पर ध्यान देना है और एक एक बारीकियों पर ध्यान देना है। कि अगर कभी हमारे पास ऐसे नंबर आते हैं जो आपस में सह अभाज्य हों, सह अभाज्य संख्याएं वो कहलाती हैं जिनका SCF एक हो, या मोटी मोटी भाषा में कहें कि जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, कोई भी फैक्टर उपस में कॉमन ना हो, कोई भी एक दूसरे में फैक्टर कॉमन ना हो, उसे क्या कहते हैं अपन, गुणनखंड, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगर फैक्टर को प्राइम नंबर में है और नीचे का नंबर प्राइम नहीं है, तब जाके यूलर जी ने कहते ना कि सुधार होना वो हो गया, द्विपद प्रमेय बनी, द्विपद प्रमेय में कुछ कमियाँ थी हुई कि यार इसमें ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो क्या करेंगे, तो किसी ने और रिसर्च की, तो आपके फॉर्मेट जी आ गए, फॉर्मेट जी में कुछ कमियाँ लगी तो उन्होंने कहा, यूलर ने कहा अगर ये पोजिशन आ गई तो ये, तो सब ने अपना योगदान देते रहे। अपन को उन सब के योगदान का उपयोग करके ही अपना एग्जाम निकाल के नौकरी पा लेना। तो देखें, सबसे पहले हमसे यूलर नंबर बनाते बनना चाहिए, ठीक है। यूलर नंबर कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले ये सीखना, जैसे कोई संख्या हो, कोई भी संख्या, जैसे हम सबसे पहले 2 ही ले लेते हैं, इसके हमने फैक्टर किए, 2 की पावर आया 1, हमने ले लिया मान लो 4, तो 2 की पावर 2, हमने ले लिया 8, 2 की पावर 3। इनके अगर हम देखें तो पावर जरूर आपको दिख रही होगी, लेकिन फैक्टर एक ही है, फैक्टर एक ही। तो किसी संख्या का अगर हमें यूलर नंबर निकालना है तो उसके फैक्टर में से एक कम करके गुणा कर दिया जाता है। अब डिपेंड होगा फैक्टर एक है, 2 है 3 है 10 है 100 हैं कितने। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 15 का, कि 15 का अगर हमें यूलर नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, 15 के फैक्टर निकालेंगे 3 × 5, क्या करेंगे 15 के साथ गुणा कर देंगे, 3 में 1 कम तो 1/2/3 से लिख, 1 − 1/3 और 5 में 1 कम, यानी 15 × 2/3 और ये 4/5, तो कट जाएगा कितना बचेगा 8। तो 15 का जो यूलर नंबर होगा वो कितना होगा, 8। ये बात थोड़ी हजम नहीं है, है ना। अभी सवाल को लगा लें, फिर इसको हम और अच्छे से बताने की कोशिश करते हैं कि यूलर नंबर बनाने का पैटर्न ये होता है कि जो भी संख्या है उसके आपने गुणनखंड किए,
जो गुणनखंड आए उसको इन्वर्स करके मतलब बटे करके एक में से घटा दिया, या सीधी सीधी भाषा में कहें उससे एक कम, तीन से एक कम दो बटे तीन, चार पाँच से एक कम चार बटे पाँच, और काट दिया तो ये आठ आ गया। यानी कहने का मतलब है कि 15 के पहले या 15 के साथ में वो आठ नंबर ऐसे होंगे जो प्राइम होंगे। लो आप आते हैं क्या, दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह एक दो तीन चार पाँच छः और कौन सा आते हैं आठ कैसे आ रहा है, चार दुनिया अठारह दो आ रहा है, चलो देखते हैं एक मिनट। तो इसके पहले आने वाले को प्राइम नंबरों की संख्या होती है, एक भी आ जाएगा जैसे पंद्रह के पहले कौन कौन संख्या पंद्रह से मल्टीप्लाई नहीं करेगी, एक को प्राइम नंबर, दो चार पाँच तो हो जाएगी, छः सात आठ नौ हो जाएगी, दस हो जाएगी, ग्यारह बारह हो जाएगी, तेरह चौदह, बस एक इसके साथ कोई गुणनखंड तैयार नहीं करता, दो कोई गुणनखंड तैयार नहीं करता, तीन नहीं करता, छः तो करता तीन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो ये उनकी संख्या होती है ना, वो मिक्स हो जाता ना, किसके लिए प्राइम सोचना है किसके लिए क्या सोचना है, तो थोड़ा सा हो जाता। इतना सब अपन को नहीं सोचना है, हमें केवल यूलर नंबर बनाते हैं अभी सीखना है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सब बन जाएगा, क्योंकि हमें एक नंबर पक्का करना है और ये भी आपसे मेंस में पूछा जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन उठाते तो हमने बता दिया, नहीं क्वेश्चन उठाते मन में नहीं बोलते कि लो प्राइम नंबर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, कुछ तो बोल जाते हो पहले, तो कहते हो कि सर नहीं बता रहे, दिमाग ख़राब कर देते, कोई दिमाग खराब। इस सवाल को लगाने के लिए फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि अपन ने क्या कहा कि देखा यार ये नंबर जो है वो कैसा है, प्राइम नहीं है, ऊपर और नीचे के नंबर में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, यूलर का, लेकिन यूलर का यूज डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें यूलर नंबर निकालना होगा। वो कैसे निकालते हैं, हमने जो नीचे की संख्या थी उसको उसके फैक्टर में तोड़ दिया, फैक्टर में तोड़ने के बाद हमने उसका यूलर नंबर बनाया। कैसे बनाते हैं, उसके साथ उसके जो फैक्टर होते हैं उनको एक कम करके लिख देते हैं, तीन में एक कम दो, दो बटे तीन, पाँच में एक कम चार, चार बटे पाँच, और एक काट देते हैं, पाँच है पंद्रह, कितना हो गया आठ, तो इसका यूनिट नंबर आठ है। तो जैसे वहाँ एक कम से भाग दे रहे थे, यहाँ भाग किससे देंगे घात में आठ से, तो हम आठ से भाग देंगे किस में 105 में, ठीक है, आठ से भाग देंगे इसमें 105 में। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम कर रहा हो तो यहाँ सात भी लिख सकते हो कि आठ है यहाँ आठ है, तब तो कुछ सवाल बनाने में, तो अगर आपने आठ से भाग दिया 105 में तो आठ एकम आठ 105 में भाग देते, समझाने के लिए आठ एकम आठ दो बचा, आठ थी 24 एक बचा, यानी आठ की पावर 13 बार सॉल्व करें तो रिमाइंडर आएगा एक, और जो बचेगा वो डिसाइड करेगा फिर रिमाइंडर। तो जो यूलर नंबर से कट जाती है पावर वो रिमाइंडर देगी आपकी एक, इसी जैसा है सिम, बस ये था प्राइम नंबर के लिए, वो है कंपोजिट नंबर के लिए या ऐसे नंबर के लिए जो डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर 15 प्रॉब्लम कर रहा था, 15 की जगह 11 होता, ये होता 13, तो कुछ तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो अपन ने क्या किया उसको यूलर थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश की, तो यूलर थ्योरम के यूलर नंबर जितनी बार घात में भाग जाए उतनी बार रिमाइंडर आएगा एक, और जो एक्स्ट्रा घात बचेगी फिर वो डिसाइड करेगी रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक्स्ट्रा घात क्या बची इसमें, अगर हमने 105 में भाग दिया बोले शेष फल वही एक्स्ट्रा बची, यानी 8 बटे 15, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8। आप जहाँ बैठे वहाँ से आवाज आई, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, जाने का कितना कठिन पढ़ा रहे हैं या कितना गंदा पढ़ा रहे हैं, है ना। परफेक्ट बनने के लिए परेशान होना ही पड़ता है, और अभी तो सब परफेक्ट बन जाएंगे जैसे ही पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे, बोले परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। देखो फिर से देखो, एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, जो चीज़ कम समझ में आए उसको बार बार देखना है। अगर आप क्लासरूम में होते
तो हम एक सवाल लगाते, खड़े करते, आपको रटवा देते। अब जब आप वीडियो फॉर्म में होते हो तो आपकी मर्जी के हिसाब से काम करते, बिल्कुल सर की मर्जी के हिसाब से काम करते। हाँ ये कैसे आया, ये कैसे आया, पूछ पूछ के आपको याद करा देते कि हाँ पता नहीं आप किस हिसाब से देखते हो। तो देखो एक और देखो सवाल, जैसे मान लो आ गया 2 की पावर 16 को 15 से भाग कर, 15 इसलिए 15 का हमने अभी निकाल लिया था, तो आपने कहा क्या इनमें कोई फैक्टर कॉमन है, नहीं है, क्या नीचे प्राइम नंबर है, नहीं है, यानी कौन सी थ्योरम लगना है अब, यूलर। यूलर क्या होती है कि 15 के फैक्टर निकालें 3 × 5, ठीक है, और 15 के साथ एक कम करके गुणा में लिख दिया। जैसे ही आप निकालोगे वैसे आपको याद हो जाएगा, ये 5 × 3 = 15 कितना हो गया 8, यानी घात को 8 से भाग करके छोटा करना है, और 8 से पूरा पूरा कट रहा है, 8 × 16 घात 8 से पूरी पूरी कट रही है, तो 8 × 16 पूरा पूरा कट रहा है, तो शेषफल कितना आ जाएगा 1। फिर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये आपने लगा लिया यूलर प्रमेय। अब किसी का दिमाग चला बोले हम नहीं लगाना यूलर से, ये तो इसको लिख सकते थे अपन 2 की पावर 4, 4 × 16 / 15, तो बोले 16 × 4 / 15, बोले हम लिख दिया 16 × 16 × 16 × 16 / 15, 1 बचेगा रिमाइंडर, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 गुणा कर दिया रिमाइंडर 1 आए, बोले हमें लोग ऐसा लगाना। तो कई तरीके से लगा सकते हो, लगाने के लिए कोई आपसे गुस्सा नहीं करेगा, कुछ कुछ नहीं करेगा, बस आपको याद रखना है कि आपको कैसे लगाना है, कब क्या पोजीशन आपके सामने आ गया, ठीक है। इन सब चीज़ों को पढ़ोगे और पेपर जब अच्छी क्वालिटी का बनेगा तो वो आपसे जल्दी बनेगा, क्योंकि हमसे एक एवरेज मार्किंग हो गई है कि लगभग 60 नंबर तक तो सबके आ जाते हैं, 100 का एग्जाम पेपर है तो 60 नंबर तक अब एवरेज मार्किंग हो गई है कि लगभग तैयारी करने थोड़ा मोड़ा भी ऐसी पढ़ने वाले कि 60 आ गए, 70 नंबर भी आ गए अच्छी तैयारी कर रहा है, 75 आ गए, 80 आ गए, ठीक है, 80 के बाद वाले नंबर बहुत कम लोगों के आ गए, तो हमें 80 के बाद की चर्चा भी तो करनी पड़ेगी, साधारण से विशेष बनना है ना, अब तो सब साधारण से विशेष बनेंगे। जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, और लाइक जरूर बनता है, कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे वीडियो लिखें सर बहुत अच्छा, लोग इंक्रीज होते देखते अरे यार इसके हैं इतने व्यू हैं, अब हमें इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, फिर से कोचिंग खुल जाएंगी, फिर से भीड़ आना शुरू हो जाएंगी, फिर से उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर अब वहाँ भीड़ बनी रही, आपने यहाँ भीड़ बनाए रहे, तो हम तो उस भीड़ को इग्नोर करके आपके साथ जुटे रहें, बने रहे, नहीं लगेगा कि अरे यार लो फीस लेके पढ़ाओ, लाइन लगती फ्री में पढ़ाओ, तो लोग नहीं पढ़ना चाहते, वैल्यू नहीं कर रहे। चलो एक सवाल और, क्योंकि ये हेडेक बनी रहती, वीडियो लंबा ना हो जाए, ये हेडेक बनी रहती, एक अच्छा सुंदर सा सवाल जो आपको मजा आ जाए। चलो एक काम करो, 10 का यूलर नंबर निकाल के देखो, बोले 15 का बता दिया, कुछ बताया नहीं, 10 का यूलर नंबर निकाल के 10 × 10 के फैक्टर किए थे पड़ोस में अपने, 2 × 5 आए थे, तो 2 में 1 कम यानी 1/2, 5 में 1 कम यानी 4/5, कट गया कितना बचा 4, 10 का यूलर कितना आ जाएगा 4, तो जब 10 की घातों में होगा, सही है ना, तो काम बनेगा। किसी ने कहा 50 का यूलर नंबर बताओ, तो 50 के फैक्टर किए अपन, तो 2 × 5 / 2 = 25, 50, तो अब 2 ही फैक्टर आए,
तो 50 के साथ गुणा करेंगे, 1/2, 2 से 1 कम और 4/5, तो कितना हो गया 10, 10 से 50 काटोगे तो 5 बचेगा, सॉरी 5 चौके 20, तो इसका यूनिट नंबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब एक सवाल लगाते, मज्जू वाला, मज्जा आ जाएगा। हाँ, कौन सा लगाएं, 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 कौन सा लगाएं। 21 22 का 27 की पावर 125, मैं रिमाइंडर क्या, कौन फैक्टर तो नहीं इनमें, दिखना जाए कौन फैक्टर नहीं। 27 3 से कटता है, 22 2 से हो गया, 8 कटता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 27 के कॉमन फैक्टर से यूनिट नंबर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपने कहा सर 27 के फैक्टर कर ले रहे अपन, तो 27 के फैक्टर करोगे तो 3 की पावर 3, लेकिन फैक्टर देके आया 3, तो हम 27 को गुणा कर देंगे 3 से 1 कम, यानी 2/3 से, 3 9 27, 9 2 18, तो इसका यूलर नंबर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 18। इसका यूलर नंबर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 18। इसका यूलर नंबर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 18। इसका यूलर 18, यानी हम घात को 18 से भाग देंगे, ये दो 18 से भाग, 18 बड़ा ही नहीं आता लो, अठारह पंचे नब्बे अठारह छक्के 108 अठारह सत्ते हो जाएगा 7 बार तो 18 छक्का 6 28 26 हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा। घात अपन को ऐसी बनानी पड़ेगी कि अच्छे से कट जाए, जैसे 18 18 पंचे 90 18 9 162 163 कर देंगे, 18 9 162, ठीक है। क्यों ऐसा कर दिया, समझाने, क्योंकि पावर 5 6 ऐसा नहीं क्वेश्चन बनेगा कि सॉल्व ही ना कर पाओ, ऐसा देता है जो सॉल्व कर पाओ, ये थ्योरम यूज कर पाओ, थ्योरम लगाने के बाद कुछ नहीं कर पाए ऐसे, है ना, इसलिए पावर 163 बना दिया। अब अगर 18 से भाग करते तो 18 9 162, यानी 22 बचता एक बार, बट 27 से भाग किया, 22 से 27 से भाग करोगे, भाग नहीं जाता, कितना बचेगा, 22 ही आंसर, ठीक है। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा कम समझ में आए, अगले वीडियो में इसके और एग्जाम्पल लूँगा मैं, लेकिन पहला वाला आपको नियम अच्छे समझ में आ जाएगा, दूसरा थोड़ा कष्ट करेगा। कहो तो मैं यहीं, नंबर सिस्टम लगभग आपका एग्ज़ाम के हिसाब से पूरा हो गया है, मेंस के लिए कुछ स्पेशल रूल रह गए हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में या इसके बाद बताऊंगा। धन्यवाद।